हमशी हैं? क्या कर रहे हो? एक बात बताएं मुझे, आपने अपने किसी दोस्त को बिरयानी भेजी है? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्यों, क्या बात? इसमें बहुत कम बिरयानी बची इसलिए पूछ रही हूँ। तो जाहिर बात है, इतने मेहमान थे, सबने खुलकर खाया, कम ही होगी। मसला क्या है ताहिर? मैंने पतीला चेक किया था मेहमानों के जाने के बाद, इसमें इतने कम चावल नहीं थे और अब बिरयानी कम है। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि अमीना लेके गई होगी। तुमने अमीना को बिरयानी ले जाते हुए देखा? देखा तो नहीं था मैंने, लेकिन मुझे पता है वो ही लेके गई होगी। हालांकि मैंने उसे कल भी बचा हुआ सालन दिया था। पता नहीं क्यों इनको ऐसी आदतें लग जाती हैं, चोरी करने शुरू हो जाते हैं। अरे बाबा, जब तुमने उसे ले जाते हुए नहीं देखा तो क्यों शक करी उस गरीब पर? आप नहीं जानते ताहिर, उसे मैं जानती हूँ। वो लेके गई होगी इसीलिए बिरयानी कम हो गई है। अच्छा छोड़ो, नहीं तुमसे कितनी मर्तबा कहा है, बदगुमानी मत किया करो, अच्छी चीज नहीं होती है। चलो मुझे कप चाय बना दो प्लीज। कर भी ना। इट्स ओके, डिलीवरी बॉय होगा, मैंने पिज्जा मंगवाया, मैं देख लेता हूं। हाँ वेट, दो ये लो। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, एक ग्लास पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ आओ। थैंक यू सर। अरे थैंक यू की क्या बात है, नो प्रॉब्लम। अमीना पानी पिलाओ। ताहिर बात सुने, आपने इस तरह किसी अनजान आदमी को अंदर क्यों बुला लिया है? पानी पीने आया है, इसमें हर्च क्या है? ताहिर इस तरह नहीं बुलाते ना किसी को अंदर, आपको समझ में क्यों नहीं आती है? आहिस्ता बोलो, सुनने का तो अच्छा नहीं लगेगा ना। थैंक यू सर। हाँ हो गया। ताहिर मुझे एक बात बताएं, आप किस तरह आप किसी अनजान आदमी को घर के अंदर बुला सकते हैं? आपको पता है आजकल इसी तरह चोरी चकारियां होती हैं। एक अनजान आदमी बगैर सोचे समझे आपने उसे अंदर बुला लिया, अगर हमें कोई नुकसान पहुंचा देता तो क्या होता? कहां से तुम्हें चोर डकैत लगता है? मेहनत करने वाला आदमी, चोरी करनी होती तो इस तरह काम थोड़ी कर रहा होता। तुम तो हर वक्त शक करती रहती हो बस। ताहिर मैं आपको बता रही हूँ, आपकी ये जो आदत है ना, किस दिन आपके लिए नुकसान का बायस बन जाएगी। अफशीन, जो होना होता है ना वो होकर रहता है, ओके? लेकिन ताहिर इंसान को एहतियात तो करनी चाहिए ना। एहतियात अच्छी चीज है, मगर शक या बदगुमानी नहीं, ओके? अच्छा छोड़ो ये सब, इसे टेबल पे लगा, मैं आ रहा हूँ। जरा ख्याल रखिएगा प्लीज। ओके। अमीना जी, अभी क्या छुपाया तुमने? जी मैंने क्या छुपाया? झूठ मत बोलो, अभी मैंने खुद देखा है तुमने बैग में कुछ डाला है। बताओ क्या चोरी किया? हद करती हैं बाजी आप। ये चूड़ियां रखी थी, ये मुझे काम करते हुए तंग कर रही थी, तो सोचा इसको पर्स में रख लूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो इतना छुपा छुपा के रखने की क्या जरूरत थी भाई? मैं तो समझूंगी ना कि तुमने घर की कोई चीज चुरा ली है, इसीलिए पूछ लिया तुमसे, क्या हर्ज है इसमें? बाजी मैं आपके घर में कितने साल से काम करती हूँ और आपको अभी तक मुझ पर एतबार नहीं हुआ। मैं मोहल्ले में और भी लोगों के घर में काम करती हूँ, लेकिन सब मुझ पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं, और आप तो मुझ पर हमेशा इल्जाम लगाती रहती हैं, कभी खाना कम होने पर, कभी बर्तन चोरी होने पर, कभी मतलब किसी न किसी बात पर आप इल्जाम लगाती ही रहती हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा लेक्चर देने की मुझे जरूरत नहीं है, जो मैंने देखा मैंने पूछ लिया, इल्जाम नहीं लगाया मैंने तुम पर। पाजी कभी कभी आंखों देखा हुआ भी सच नहीं होता। अजीब नफ्सियाती औरत है। ताहिर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। वो आयशा का कॉल आया था, छोटा है ना इरफान, उसकी बर्थडे है, तो वो इंसिस्ट कर रही थी कि हम जरूर आए, आप जल्दी आ जाएंगे तो हम चले जाएंगे।
ओके, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की, लेकिन तुम तैयार रहना, रेडी होने में बहुत टाइम लगाती हो तुम। आधा घंटा पहले मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं रेडी हो जाऊंगी। ओके बाजी, मैंने टेबल पे नाश्ता लगा दिए, आ जाइए। अच्छा आ रहे हैं। हेलो। हाँ। अच्छा मैं ये कह रही थी कि आप शाम में कितने बजे तक वापस आ जाएंगे? ज्यादा काम नहीं है, रूटीन वाले टाइम पे आ जाऊंगा। बस ठीक है, एक्चुअली मुझे कहीं जाना था तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ही चली। ठीक। ये क्या है? ओह माय गॉड, मेरा इतना महंगा पॉट, ये टूट गया। अमीना इधर आओ। जी बाजी क्या हुआ? मेरा इतना महंगा पॉट तोड़ दिया तुमने, आंखें काम करती है कि नहीं तुम्हारी? नहीं बाजी, ये मैंने नहीं तोड़ा, मैं तो आई थी तो ये ऐसे ही था। झूठ नहीं बोलो अमीना, कल तक ये बिल्कुल ठीक था, तुमने ही तोड़ा है। बाजी आप जिसकी चाहे कसम ले लीजिए, ये मैंने नहीं किया। वो कल आपकी बहन के बच्चे आए हुए थे तो। खबरदार जो मेरी बहन के बच्चों पे इल्जाम लगाया, ये पॉट तुमसे टूटा है, मानो इस बात को। बस कर दे बाजी, जब मैं गलती मैंने की ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? और वैसे भी आप तो मेरी किसी बात पे यकीन करती ही नहीं है। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो अमीना, और तुम चाह रही हो मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूं? अफशी, तो वो कह रही है उसने नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा, छोड़ो खत्म करो बात। रहने दीजिए ताहिर भाई, आपकी बेगम की बात समझ में नहीं आएगी, इनको तो बदगुमानी करने की आदत हो गई है। सीधी सी बात, जुबान चला रही हो तो मेरे सामने? हाँ निकाल दूंगी तुम्हें नौकरी से। सिवा आप मुझे क्या नौकरी से निकालेंगी, मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। और हाँ मेरा हिसाब कर दीजिएगा, मैं कल हिसाब लेने आऊंगी। बदतमीजी करती हो मुझसे अमीना। अफशी छोड़ो, आप ब्रेकफास्ट करो। तो गुस्सा छोड़ो, अपनी जगह पर तो बैठो आकर। मुझे भेज दे अंदर। अच्छी भली मुलाजमा थी, तुमने निकाल दिया खामखा उसे। क्या मतलब है ताहिर? और मैं क्या करती? उसकी मिन्नत करती, पांव पकड़ती उसके। अगर ये हरकत ना की होती ना उसने, तो ये नौबत नहीं आती आज। तुम अब भी यही बातें कर रही हो अफशीन, बस कर दो। आप क्यों उसकी हिमायत कर रहे हैं ये बताएं? हाँ यकीन है पॉट उसी ने तोड़ा है। कैसे जानती हो तुम? तुमने देखा था उसे तोड़ते हुए? या घर में सीसीटीवी लगे हुए तुम्हें पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है? खैर अब खुद ही ढूंढना दूसरे मुलाजम, अच्छी खासी थी, निकाल दे तुम। पॉट यकीनन अमीना ने तोड़ा होगा, जब तो इतनी जल्दी मुंह छुपा के भाग गई, इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। बस ताहिर भाई, वो कंपनी के सेठ ने बहुत सारे लोगों को मुलाजमत से निकाल दिया है, इसलिए बेरोजगारी से तंग आकर मैं रिहा आ गया हूँ। शुरू में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, लेकिन कासिम चाचा ने मशवरा दिया कि आप यहाँ कराची में होते हैं तो यहाँ चले जाओ। फिलहाल रहने का कोई ठिकाना नहीं है, बस आपके और अल्लाह के आसरे यहाँ आ गया। घबराओ नहीं फरीद, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा ताहिर भाई, मैं सोच रही थी कि इनके साथ मैं भी नौकरी कर लूं। आपको तो पता है कि यहाँ के कितने खर्चे हैं, इनकी तनख्वाह से मैं घर का किराया दे लूंगी और अपनी तनख्वाह से घर का खर्चा चला लूंगी। बहुत अच्छी बात। अफशीन, ये फरीद है और ये इनकी वाइफ है सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम भाभी। तुम्हें याद है कासिम चाचा मीरपुर खास में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार? नहीं मुझे नहीं याद आ रहे। अरे यार, अब्बा के दोस्त कासिम चाचा, जो शादी के बाद हमसे मिलने हमारे घर भी आए थे। ओह अच्छा, हाँ याद आ गया, ये उन्हीं के भतीजे हैं। ओह सुनो, गेस्ट रूम की चाबी ला दो, ये आज से यहीं रहेंगे, ठीक है? फरीद, जब तक तुम लोगों को अपनी कोई जगह नहीं मिल जाती रहने के लिए, तुम लोग यहीं रहो। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। कोई जरूरत नहीं है, रिश्तेदार ही रिश्तेदारों के काम आते है ना। जज़ाकअल्लाह ताहिर भाई। अफशीन चाबी। हाँ। चाय पिए ना भाभी, प्लीज। हाँ हाँ, मेरी उससे बात हो गई थी उस सिलसिले में, वो मैनेज कर लेगा। ठीक है, सही, मुझे इन्फॉर्म कर देना जो। ओके।
क्या बात है, तुम्हें क्या हो गया? ये सब कुछ क्या है ताहिर? आपने इनको घर में ही रख लिया? गेस्ट रूम खाली पड़ा है, रह लेंगे उसमें। अर्जी क्या, वैसे भी रिश्तेदार ही काम आते हैं ना रिश्तेदारों के। कौन से रिश्तेदार? कितनी दूर की रिश्तेदारी है आपकी इनसे? और वैसे भी इतने सालों से तो आप मिले नहीं है इन दोनों से। पता नहीं किस तरह के मियाँ बीवी होंगे। आजकल तो रिश्तेदारों पे भी भरोसा नहीं है, ना जाने क्या कर जाए। आपको समझ में नहीं आती? ऑफिस के लिए मेरी कल पिंक वाली शर्ट प्रेस कर देना। ओके ताहिर, मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ और आपको अपनी शर्ट की पड़ी हुई है। मेरे पास तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं। फरीद बेरोजगार है, अब और क्या करे बेचारा। मैंने बात की फैक्ट्री में, वहाँ कुछ मजदूरों की जगह खाली हुई है, दुआ कर उसका काम बन जाए। और जहाँ तक सुल्ताना की बात है, मैंने फरीद से बात की है सिलसिले में, वो घर के काम काज में तुम्हारा हाथ बटा लेगी। वैसे भी वो काफ़ी समझदार खातून लग रही है, बातों से काफ़ी सलीका शुआर लग रही है, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। मेरी बात सुने, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी औरत की, और इस औरत को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। न जाने कैसी औरत, मेरी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें घर में इधर उधर पड़ी होती हैं, अगर इसने कुछ चुरा लिया तो फिर मेरा क्या होगा? नहीं सॉरी, मैं इस औरत पर भरोसा नहीं कर सकती। सब मेरी शर्ट रेडी कर देना प्लीज। क्या, क्यों? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही ताहिर? भाभी चाय। भाई चाय। शुक्रिया। अच्छा भाभी, वो मैं कह रही थी कि मैंने पालक गोश्त बना दिया है, तो उसके साथ मैं चावल बना लूं या रोटी? अभी बना लेती हूँ। मेरे ख्याल में रोटी बना लो, चावल तो हमने खा लिए थे ना दोपहर में। हाँ ठीक है, थैंक यू। वैसे ताहिर एक बात है, ये सुल्ताना जो है काम करने में बहुत तेज है, पता ही नहीं चलता कब रोटियां बना लेती है, सालन तैयार कर लेती है। She's very quick. मैंने तुमसे कहा था ये बहुत सलीका शुआर औरत। हाँ वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सुल्ताना हमें ये सब कुछ दिखाने के लिए करती है। क्या मतलब? अरे भाई, ताकि हम इस पे आंखें बंद करके एतबार करने लग जाएं। वैसे भी मैं नोट कर रही हूँ कुछ दिन से, ये नीचे ज्यादा रहती है, ऊपर नहीं जाती है, हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। भाभी आप क्या खाएंगी क्या पिएंगी? और कल तो इसने हद ही कर दिया, मुझसे कहती है कि मुझे कपड़े सीने आते हैं, अगर आपने सिलवाने हैं तो मैं आपको सी दूंगी। कुछ ज्यादा ही मीठी बन रही है, मुझे लगता है इसे कुछ चाहिए हमसे। हद है अफशी, तुम्हारे साथ कोई अच्छा करे तो मैं उससे भी शिकायत होती है, अगर कोई बुरा करे तो वो बुरा है। तुम किसी से किसी हाल में खुश नहीं रहती ना। यार इम्पॉसिबल। अरे फरीद ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मैं कर लूंगा। अरे ताहिर भाई बस, वो आज फैक्ट्री की छुट्टी थी, मैं फारिग भी था, मैंने सोचा गाड़ी साफ कर लेता हूँ। आप लोगों ने कहीं जाना है ना, तो आप लोग तैयार हो, मैं कार रेडी करता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं कर लेता हूँ। नहीं ताहिर भाई परेशान नहीं हो रहा, बस वो आपका काम करना अच्छा लगता है। चलो ठीक है, जब साफ हो जाए तो बता देना, मैं जरा पेट्रोल डलवा लूँ उसमें। ठीक ताहिर भाई, चाबी मुझे दे दें, आप लोग तैयार हो, पेट्रोल मैं भरवा देता हूँ। हाँ ये भी ठीक है, पग बच जाएगा मेरा। ये लो, एक। ताहिर देर हो रही है ना, हमने जाना भी है, तैयार होना है, चले आ जाए जल्दी करें। अब बस दो मिनट में आया, ये रखो। आपने उसको पैसे क्यों दिए और गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं? गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेगा ना जब तक हम तैयार होंगे। चलो आओ रेडी हो जाए। और सुनो, वो मिठाई और फूलों का टोकरा मत भूलना। ताहिर ऐसे मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है फरीद ने पूरे पैसों का पेट्रोल नहीं डलाया, उसने पैसे खाए। क्या हो गया तुम ऐसी फालतू की बातें सोच रही हो? फरीद ऐसा आदमी नहीं है यार। कैसे फालतू की बातें सोच रही हूँ, आप मुझे बताएं। सायरा आपा क्या, हम आते जाते हैं, टैंकी कभी खाली होती है? नहीं ना, मैं आपको बता रही हूँ उसने पैसे चुराए हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसे। कैसे हो जाते हैं, जितना भी रश हो इतना पेट्रोल खत्म नहीं होता, मैं बता रही हूँ फरीद ने पैसे खाए हैं। Oh God. ये फरीद ने बिल दिया था, मैं दिन में भी आई थी, मगर आप लोग घर पर नहीं थे तो मैंने कहा ये मैं दे दूँ। Oh no. मेरा ख्याल है उसने हमारी बातें सुन ली हैं, उसे दुख हुआ होगा। दुख पहुँचाओ तो पहुँचाओ, मैं क्या करूँ। ऐसी हरकतें करने से पहले लोग को सोचना चाहिए ना कि ये बुरी बात। हाँ और वैसे भी ताहिर आजकल के जमाने में कोई इतना मासूम नहीं होता जितना आप समझते हैं, ठीक है? Wow.
सुनो जी, मैं कल सुबह जल्दी जाऊंगा और शायद रात को लेट आऊं, फैक्ट्री में काम बहुत है यार। जी ठीक है। अच्छा मुझे आपसे एक बात कहनी थी फरीद, हम अपने दूसरे किराए के घर का बंदोबस्त नहीं कर सकते? क्यों, अफशीन भाभी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। मैं बस ऐसे ही कह रही थी कि अच्छा नहीं लगता ना कि उन्होंने हमें अपने घर में जगह दी और हम यहाँ पर ही रह गए। हमें अपना घर भी तो करना ही होगा ना। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, हमने भाईजान के घर पे कब्जा कर लिया है क्या? क्या हो गया है? मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होगा या थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाएंगे तो ले लेंगे किराए का घर। जानती तो हो कितना कर्ज है हमारे ऊपर, पहले कर्ज उतार दें सोचेंगे इसके बारे में। यार अफशीन, हैप्पी एनिवर्सरी। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। मैं भूल ही गई थी ताहिर। मुझे याद था। लुक बिहाइंड। ये सब कब आपने कब किया? जब तुम सो रही थी। थैंक यू सो मच। आई हैव अनदर सरप्राइज फॉर यू। ओके। ओह माय गॉड, ये कितनी खूबसूरत है। यू लाइक इट? It's beautiful. Thank you so much. You like it? I love it and I love you. I love you too. Come on, let's cut the cake now. There you are. Pull it. And there you go. Okay, let me feed you first. I'm gonna... जी अम्मी, नहीं नहीं आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैंने कह दिया ना। नहीं, हम पहुंच जाएंगे टाइम पे। हाँ हाँ, आई प्रॉमिस। ताहिर की बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैंने कह दिया था उन्हें जल्दी आ जाएंगे कल ऑफिस से। जी जी, लेकिन आप मेरी एक बात सुने, सानिया आप ही जो है ना, उनको कह दीजिएगा कि वो जल्दी आ जाएं प्लीज, हमेशा लेट कर देती हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ भाभी, खाना खाने के लिए आ जाएं, भाई इंतजार। हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ अम्मी, अम्मी ओहो अम्मी, मेरी बात सुने, ताहिर मुझे बुला रहे हैं खाने के लिए। हाँ हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। अफशी जल्दी करो, देर हो रही है हमें। बस बस दो मिनट दे दे मुझे, पिछले दो घंटे से ये सुन रहा हूँ मैं। अच्छा ना, बस दो मिनट, चल रही हूँ मैं। रिंग तो पहन लो। ये रिंग थी, इसमें कहाँ गई? यहीं कहीं होगी, सही तरह से ढूंढ। नहीं है इधर, आपने देखी कहीं? अरे ठीक से ढूंढो ना, यही होगी। कहाँ गुम गई? कहाँ जा सकती है बताएं मुझे, कहाँ जा सकती है? क्या करूं, अभी तो आपने मुझे नई लेके दी थी, पहनी भी नहीं थी मैंने, कहाँ जा सकती है? अच्छा सुनो, अभी ये रोना धोना छोड़ो, अभी हमें देर हो रही है, ठीक है? वापस आके ढूंढ लेंगे, चलो। ताहिर लेकिन मेरी रिंग। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं वापस आके तुम्हारे साथ खुद ढूंढ लूंगा। ओके, जस्ट लीव एवरीथिंग, कम, हम इसको बाद में देखते, चलो गो। कमरे की चाबी देना। आज आप जल्दी आ गए? हाँ बस फैक्ट्री में काम जल्दी खत्म हो गया था। अच्छा मैं चाबी क्या। अच्छा सुनिए, ये अंगूठी भी ना हिफाजत से रख दीजिएगा। एक सेकेंड, सुल्ताना ने अभी तुम्हें क्या दिया है फरी? कमरे की चाबी दी भाभी। अच्छा अपना हाथ दिखाओ। ये अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई? भाभी ये मेरी अंगूठी है, शादी के मौके पर मेरी सास ने मुझे दी थी। क्या सुल्ताना, एक तो चोरी करती हो, ऊपर से झूठ बोल रही हो। हाँ वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना वरना तुम तो झुटला देती।
ताहिर ये वही अंगूठी है ना जो आपने मुझे दी थी। आप देख रहे हैं आपके रिश्तेदार क्या कारनामा अंजाम दे रहे हैं। नहीं भाभी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरी अंगूठी है। देखिए ताहिर, आप गौर से देखिए, वही अंगूठी है ना जो आपने मुझे दी थी। हाँ, लग तो वही रही है, लेकिन ताहिर लग नहीं रही है, ये वही अंगूठी है। वो तो शुक्र हुआ कि हम नीचे आ गए, हमने देख लिया, वरना ये तो अपने मियाँ के हाथ अंगूठी भेजती थी यहाँ से और हमें कभी पता ही नहीं चलता। नहीं भाभी, आपको गलत फहमी हो रही है, खुदा का वास्ता चोरी का इल्जाम मत लें, ये अंगूठी मेरी सास ने मुझे दी थी। ये तो बिल्कुल नई अंगूठी है ना, अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें सालों पहले ही अंगूठी दे दी थी तो अब तक नई कैसे है, बताओ मुझे। जी जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, वो कल तकरीब में जाना था, मैंने इसलिए निकाली थी पहनने के लिए, मैं इनको ही दे रही थी कि हिफाजत से कमरे में रख दे, मैंने कोई चोरी नहीं की भाभी, मैंने कोई चोरी नहीं की भाभी। बस करो सुल्ताना, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, एक तो चोरी करती हो ऊपर से सीना चोरी करती हो। एक बात बताओ, तुम लोगों को इस घर में हमने इसलिए जगह दी थी कि तुम लोग यहाँ के चोरियां करो? मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी, तुम लोग इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, गेट आउट। ताहिर, अब आपको यकीन आ गया, मैं आपको बोलती रहती थी लेकिन आप कभी मेरी बात नहीं सुनते थे। जैसे मैं सोच रही थी ना, अब मुझे याद आया, उस दिन अम्मी की कॉल आई थी, मैं फोन पे बात कर रही थी और सुल्ताना आई थी कमरे में, उसने मुझे देखा था कि मैं ये रिंग रख रही हूँ बॉक्स के अंदर, इसीलिए तो इतनी आसानी से चुरा ली उसने, लेकिन शुक्र है कि वक्त पे हमने पकड़ लिया और मेरी रिंग बच गई। फरीद और सुल्ताना ऐसे लगते नहीं थे जैसे। आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा? नहीं, it's not that. खैर, अपने हाथ से रख दें आप से। तुम्हारी रिंग तो ये है। इसका मतलब है उस दिन बॉक्स गिरा तो उसमें से अंगूठी भी गिर गई, और मैं खाली बॉक्स वापस रख के समझी उसमें अंगूठी है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अपनी जैसे सुल्ताना की अंगूठी देखकर मैं समझी कि वो अंगूठी मेरी है और मैं सुल्ताना को चोर समझ बैठी। लाला, मैंने क्या कर दिया? इसीलिए तुमसे कहता था मैं, दूसरों से बदगुमान मत हुआ करो, बहुत बड़ा गुनाह है। कुराने पाक में अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं, बहुत से गुमानों से बचा करो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा मुसलमानों को इसी बात की तालीम दी कि बदगुमानी से बचो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। काश तुम्हें बात पहले समझ में आ जाती। शायद प्लीज मुझे माफ कर दे, पर एक बार मुझे सुल्ताना और फरीद के पास ले जाना, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, आपसे भी वादा करती हूँ कि आइंदा कभी बदगुमान नहीं होंगी, प्लीज मुझे ले जाओ उनके।